खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर अभया महिला सेवा संस्थान द्वारा नवरात्रि डांडिया उत्सव का आयोजन नगर के हरबंशपुर स्थित पालीवाल मैरिज हॉल में धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम माँ दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ आरती पूजन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसके बाद जहां एक बार देवी गीतों पर डांडिया के साथ महिलाओं ने समा बांधा तो पूरा कार्यक्रम देवीमय हो गया। डांडिया और ड्रेस प्रतियोगिता में अपनी सशक्त भागीदारी के लिए महिला टीमों ने जलवा बिखेरा। वहीं ज्वेलरी प्रतियोगिता में भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रतियोगिता की बारीकियों पर निर्णायक मंडल ने नजर बनाए हुए रखी थी। अभी महिला सेवा संस्थान के सचिव आयोजिका अनामिका सिंह पालीवाल ने बताया कि नवरात्रि शक्ति का पर्व है जिसमें आराध्य माँ दुर्गा की पूजा होती है। डांडिया के माध्यम से नारियों में ऊर्जा का संचार किया जाता है। डांडिया उत्सव में BBS स्कूल, रत्ना पब्लिक स्कूल व हर्ष पब्लिक स्कूल विद्यालय के बच्चियों ने डांडिया कंपटीशन और ड्रेस कंपटीशन, ज्वेलरी कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा जिसमें रत्ना पब्लिक स्कूल को प्रथम तो BBS स्कूल द्वितीय व हर्ष पब्लिक स्कूल को तृतीय घोषित किया गया। वहीं कपल डांस में प्रिया व तरुण प्रथम रहे तो प्रीति और अनुपम को द्वितीय, वहीं ज्योति और अमीषा तीसरे स्थान पर रहे। ड्रेस प्रतियोगिता में कृति को प्रथम स्थान मिला तो सोनिया ने द्वितीय और पावनी वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा सिंगल डांस डांडिया में हिमांगी जसवाल ने बाजी मारी तो ही हर्षिता सिंह को दूसरा स्थान मिला। ड्रेसअप महिला में प्रियंका वर्मा प्रथम रही तो अनीता द्विवेदी दूसरे स्थान पर और बीना सिंह तीसरे स्थान पर काबिज हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी हिना देसाई ने कहा कि अभ्यास संस्थान जिस तरह से काम कर रही है वो सराहनीय है। अभ्यास संस्थान ने महिलाओं के उन्नयन और विकास के लिए अच्छी योजना तैयार की है जिसका असर निकट भविष्य में दिखेगा। देर रात तक चले उत्सव में महिलाओं ने जमकर आनंद उठाया और पूरे माहौल को मां के वंदन में सरोबार कर दिया। इस अवसर पर अभया महिला सेवा संस्थान के संरक्षक मंडल पदाधिकारीगण सदस्य सहित आदि महिला संगठन भी मौजूद रहे। आज आप लोगों के यहाँ क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम लोगों के यहाँ डांडिया का कार्यक्रम नवरात के शुभ अवसर पे हो रहा है। इसमें अभया महिला सेवा संस्थान की सभी महिलाएं और स्कूल की 3-4 स्कूलों की बच्चियों का कंपटीशन भी है, ड्रेस कंपटीशन भी है, महिलाओं में कपल कंपटीशन भी है, ड्रेसअप है, ज्वेलरी है और इसको महिलाएँ इंजॉय करें, ये माता रानी से दुआ है। डांडिया में तो 3-4 स्कूलों की है जिसमें एक BBS है, प्रतिभा निकेतन है और हर्ष पब्लिक है और रत्ना पब्लिक है। इनकी मतलब स्कूल की बच्चियां हैं और महिलाएं बाहर से भी हैं जो कि थोड़ा लेट है बारिश की वजह से, तो कपल में कम से कम 20 महिलाओं का भी वो है। कितने दिनों का ये प्रोग्राम किया जा रहा है? कितने दिनों के लिए प्रोग्राम किया? सिर्फ आज शाम से लेके रात तक खत्म हो जाएगा। कौन सी संस्थान कर रही है? अभया महिला सेवा संस्थान ये नवरात्र का शुभ अवसर पे डांडिया करा रही है। हाँ, उनकी प्राइज है, उनके प्रशस्ति पत्र है, उनको सम्मान है और हमारी बलिया से आई हैं सुनीता पाठक जो गेस्ट हैं, शीला श्रीवास्तव जी हैं, माधुरी दुबे हैं, जो लोग अभी फ़ोन कर रही थी हम लेट होने को जैसे अभी बोले हैं, तो इन लोगों के हाथ उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, शॉल दिया जाएगा और उनको शील्ड दी जाएगी। जो जीतेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन है, महिलाओं में भी 3 है और इन लोगों में भी, बच्चियों में भी। ज्वेलरी अलग है, डिज़ाइन मतलब ड्रेसअप अलग है और डांस अलग है, तीनों में। मैं गायिका सुनीता पाठक और मैं बलिया से आई हूँ। आज यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है डांडिया से? नवरात्र के इस पावन अवसर में अभया महिला सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह डांडिया महोत्सव उत्सव रखा गया है जिसमें मुझे निर्णायक मंडल के रूप में यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी दीदी ने इस आयोजन किया है इसका, इस डांडिया का, और माता रानी के इस पावन उत्सव में इस तरह के आयोजन होना चाहिए क्योंकि बच्चियों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो खुल के समाज के सामने हैं। क्या संदेश रहेगा इस डांडिया से बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति? देखिए, नवरात्र का जो ये माता रानी का जागरण मनाने का एक अपना अपना एक कल्चर होता है जो कि यह भी एक कल्चर है डांडिया, तो इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि
जैसे कि इस परंपरा को हम सभी अपना रहे हैं और झूम के नाच के गा के माता रानी के इस नवरात्र के पावन नवरात्रि में सभी लोग जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।